कोरोना वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है उससे ज्यादा तेजी से उसके बारे में चिंता और स्ट्रेस, साथ ही बहुत सारा पैनिक फैल रहा है। हर इंसान परेशान है कि मुझे हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे घर वाले, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे को हो गया तो मैं क्या करूंगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, ये वायरस क्या है। कई सारे लोग इसे खतरनाक बोल रहे हैं, मीडिया की सुने, मीडिया की माने तो आप तो भाई साहब बच ही नहीं पाओगे। और इस सब में परेशान हो रहे हैं आप और स्ट्रेस में आ रहा है आपका दिमाग। मगर खाली ये स्ट्रेस नहीं होता है दुनिया में ना, काम का स्ट्रेस, आप काम पे नहीं जा रहे हैं, इकोनॉमी गिरेगी, आपके धंधा चौपट हो गया है, अगर आपका बिजनेस है जो बंद हो गया है बिकॉज ऑफ दिस, तो और ज्यादा प्रॉब्लम। सो बहुत सारा स्ट्रेस है लोगों के माइंड में, और सबसे बड़ा तो जान का स्ट्रेस, और जिसको हो गया मान लो कोरोना, सोचो उसके उसके ऊपर क्या बीतेगी। कई सारे लोग हैं दुनिया में जो इस तरीके के स्ट्रेस से जिंदगी में गुजरते रहते हैं, मगर अब इस एक महीने दो महीने जो भी कोरोना के चलने हैं, जितना भी चलना है इसने, उस दौरान आपके मन में इस स्ट्रेस से क्या इफेक्ट होने वाला है, आपके शरीर पे क्या इफेक्ट होने वाला है, आइए समझते हैं। और यही सिर्फ स्ट्रेस नहीं होते हैं। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. किसी भी stressful situation में आपकी body कैसे respond करेगी? How your body responds to stress? So consider a stress. एक stressful situation ले लीजिए, मान लीजिए चाहे वो environmental हो, जैसे कि कोई ऐसी वर्क डेडलाइन आ गई है कि आपके आसपास एग्जाम टाइम आ गया है, एकदम कल एग्जाम है और अब तक आपने पढ़ाई नहीं किया, तो दिस इज नॉट ऑफ योर बॉडी, इट्स नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स एक्चुअली प्रेजेंट, इट्स योर एनवायरमेंट, योर फिजिकल, आपका फिजिकल एनवायरमेंट, आपके बॉस ने डेडलाइन दे दिया, दैट इज स्ट्रेस, कि आज के आज इतने कंप्लीट करने हैं असाइनमेंट या केस या व्हाटएवर, ये एक इन्वायरमेंटल। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब कि आप एक जॉब छूट जाएगी भी मैं छोड़ ना दूं मैं, या जॉब नहीं है, या पैसे नहीं है, या बीवी मेरी शक कर रही है, या बीवी का अफेयर है, या गर्लफ्रेंड नहीं है, या उसके वजह से, या व्हाटएवर इट इज, दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस इज डिफरेंट, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज डिफरेंट। सो बोथ, ये दोनों चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, ट्रिगर एक कैस्केड ऑफ स्ट्रेस हार्मोन रिस्पॉन्स। नाउ कैस्केड का मतलब होता है एक के बाद एक, जो कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपके शरीर के अंदर पैदा करेंगे। एक स्ट्रेसफुल इंसिडेंट आपके दिल को तेज धड़प 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 धड़काने के लिए काफी है। सो अ स्ट्रेसफुल इंसिडेंट कैन मेक योर हार्ट गो पाउंड अगेन, हार्ट पाउंड एंड बीट फास्टर। Your breathing can become quicker. बहुत तेज तेज धड़कना दिल भी और सांस भी, मसल्स आपकी टेंस हो जाए, एंड बहुत सारा पसीना आए। ये एक एक्यूट रिस्पॉन्स है किसी भी मेजर स्ट्रेसफुल इंसिडेंट का। अब इस स्ट्रेस के रिएक्शन को मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट, बिकॉज इट इज इवॉल्व्ड एज अ सर्वाइवर्स इंस्टिंक्ट। मतलब पुराने जमाने में ना जॉब था, ना बीवी थी, जो जिसको मिलके मिल गया, या व्हाटएवर, पुराने जमाने में तो भाई हंटिंग, अपनी जान बचाओ, तुम या तो हंट हो रहे हो या हंट हो जाओ, हंटर बन रहे हो, समथिंग लाइक दिस, व्हाटएवर। भूख सबसे बड़ी चीज थी, सर्वाइवल मैकेनिज्म था, राइट। तो इसमें लोगों को दूसरे लोगों से बचना था, तो उनको खतरनाक आवाज आती थी, लोग भागते आते थे, तो उनके अंदर था या तो हम फाइट करें या तो हम फ्लाइट करें, हम भाग जाएं। सो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स था ये। और आपको आपके हार्मोन चेंजेस
आपको हेल्प करते हैं इसको लेने में, धड़कन बढ़ती है, शरीर की रेडीनेस बढ़ता है ताकि आप हो जाओ थोड़े से तैयार दौड़ने के लिए या जल्द लड़ने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बॉडी कैन समटाइम्स ओवर रिएक्ट टू स्ट्रेसर्स जो कि नहीं है आपके लाइफ थ्रेटनिंग। दिमाग को पता है भाई ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो है ओवर स्ट्रेस हो जाएगी। जस्ट लाइक एक छोटा सा ट्रैफिक जाम है, उसमें आप इतने बौखला जाओगे, किसी के ऊपर गाली दे दोगे, किसी की ऐसी तैसी कर दोगे, कभी कभी वर्क प्रेशर पे ऐसे सब कुछ फेंक फाक के मुझे नहीं करना, समथिंग लाइक दिस, राइट? या फैमिली डिस्टर्बेंस में तो बहुत कॉमन है, जैसे लोग एक दूसरे को बहुत जल्दी बाजी में उल्टा सीधा बोल जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है और धीरे धीरे ये एक बीमारी बन सकती है। सो ओवर द ईयर्स बहुत सारी रिसर्च हुई है इसमें कि हाउ दिस रिएक्शन हैपन्स, एंड ऑल्सो हम लोग इसके ऊपर ये ट्रेन करते हैं कि लंबे समय में अगर ऐसा हो रहा, क्रोनिक कॉन्स्टेंट रेगुलर स्ट्रेस साइकोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट डालेगा आपकी बॉडी की, आपके रिपीटेड इस तरह के हॉर्मोन्स बार बार कैसे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं, आपके सबसे बड़ा स्ट्रेस हॉर्मोन आपका कॉर्टिसोल और एक्यूट हॉर्मोन्स एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, इसका जो रश होता है जी यहाँ पर डेट इज नॉट सो गुड एवरी टाइम क्वाइट फ्रेंकली। तो क्रोनिक स्ट्रेस आपके बीमारियां बना सकता है, जैसे सबसे कॉमन हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर का नंबर वन रीजन है एक्यूट एंड क्रोनिक स्ट्रेस। जहां एक्यूट स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्रोनिक स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज नहीं होने वाला। क्रोनिक स्ट्रेस अगर होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा और कम नहीं होगा भाई साहब। सो ऐसा होगा तो क्रोनिक स्ट्रेस जब होता है तो आपकी बॉडी के अंदर एथरोस्क्लेरोसिस, ब्लड के अंदर आर्टरी में क्लॉटिंग क्लॉगिंग भी बढ़ जाए। सो दैट कैन कॉज ब्लॉकेजेस इन योर बॉडी, इन योर हार्ट, इन योर ब्रेन, कॉजिंग स्ट्रोक। इवन स्ट्रोक नहीं भी हुआ, बच गए भगवान की दया से या व्हाटएवर किस्मत से, देन ऑल्सो यू कैन हैव ब्रेन चेंजेस। योर ब्रेन, योर पर्सनैलिटी कैन चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, एग्रेशन। यस, नाउ कई बार रिसर्च में ये बताया है कि अप्रूव किया कि क्रोनिक स्ट्रेस के वजह से मोटापा भी होता है, ओबेसिटी। व्हाई? कॉर्टिसोल हाई, कॉर्टिसोल का काम है बस शुगर बनाओ, इट डजंट मैटर मसल तोड़ के शुगर बनाओ और कुछ भी तोड़ के शुगर बनाओ, सो यू बिकम फैट, हाई ब्लड शुगर करता है। सो ओबेसिटी, दिस इज थ्रू डायरेक्ट मैकेनिज्म एंड इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट इज स्ट्रेस कॉजेज ओवर ईटिंग। खाते हो ना ज्यादा? आई डू स्ट्रेस ईटिंग, आई ईट अलॉट, स्ट्रेस ईटिंग। एंड इनडायरेक्ट कॉज, स्ट्रेस डिक्रीजेज योर स्लीप एंड एक्सरसाइज। यस भाई, ओवर ईटिंग, इंक्रीज कॉर्टिसोल, डिक्रीज स्लीप एंड एक्सरसाइज, कौन नहीं मोटा होगा? सो दिस इज हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स यू। नाउ इन रिस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस होता है तो आपके ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, अलार्म बजने लगते हैं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दैट। जब किसी को कोई डेंजर आता है सामने, कोई कार आ रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई खाने को आपको जानवर दौड़ के आ रहा है, वट एवर इट इज, आपके आईज और ईयर दोनों उसको देखते हैं, आईज देखते हैं, ईयर सुनते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, राइट? सो ये जाता है आपके अमेगडाला ब्रेन के सेंटर, जो इमोशनल प्रोसेसिंग डेंजर ब्रेन, डरने वाला हार्मोन, इमेज और साउंड को इंटरप्रेट करके सीधा सीधा आता है भाई ये तो डेंजर है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए, इट्स अ डिस्ट्रेस सिग्नल, डिस्ट्रेस सिग्नल टू दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में
जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिग्नल आता है, यहाँ पर ये एरिया ब्रेन के फंक्शन जैसे कमांड सेंटर को कम्युनिकेट करने कर करता है कि पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को, पेशेंट को सीधा फ्लाइट एंड फ्लाइट फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स डाल देता है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड एड्रीनल एक्सेस, एड्रीनलिन, नॉरएड्रीनलिन, कॉर्टिसोल, घपा घप बनते हैं आपकी धड़कन बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, आपकी सांसें तेज चलती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हो रहा है, सीधा रेडी या तो फ्लाइट या तो फाइट, भाग जाओ। इट्स अ कमांड सेंटर, हाइपोथैलेमस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। सो यहां ये सारी बॉडी के साथ कंट्रोल करके आपकी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करने को, और अमिगडाला इज योर डेंजर, योर अफ्रेड, योर डिप्रेशन, व्हाटएवर स्ट्रेस सेंटर। ये चेंजेस इतने इतने जल्दी होते हैं आपको पता नहीं चलता, आपके कोई अप्रिशिएट नहीं होगा, वेरी फास्ट समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनिशियल स्टेज में। सबसे पहले जो आपकी बॉडी सिक्रीट करती है दैट इज द एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन एड्रिनलिन पहला आता है, सेकंड रिस्पॉन्स आपका एड्रिनलिन के बाद में जो एचपीए एक्सेस है हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, नॉरएड्रिनलिन और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज। बेसिकली ऊपर से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, नीचे से आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बड़ा जोरदार, बड़ा ही खतरनाक हार्मोन है, रेगुलर अगर बेसिस पे आ रहा है, क्रोनिक कॉर्टिसोल इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। सो दैट्स हाउ आपकी बॉडी हार्मोन सिक्रीट करती है ड्यूरिंग द स्ट्रेस। जो एच पी ए एक्सेस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस, राइट, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कमांड करता है थ्रू कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनलिन को पिट्यूटरी कमांड करता है और पिट्यूटरी एड्रीनलिन अपने आप में खुद सिक्रीट करता है। कुछ हार्मोन्स आपके बॉडी में आ जाते हैं और आपकी बॉडी में फिर सारे चेंजेस होते हैं। नाउ इज देयर समथिंग व्हिच यू कैन डू टू रिलीज योर स्ट्रेस? यस। What are the techniques to counter stress chronic issues? बहुत बड़ा सवाल। अगर आप क्यों सोचे तो persistent epinephrine adrenaline surges are not good. किक मूवी देखना और प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना अच्छी बात नहीं है। आपके ब्लड वेसल्स पे, आर्टरीज पे, ब्लड पे, हार्ट पे, स्ट्रोक, ब्रेन पे, सब जगह पे स्ट्रेस है, अच्छी बात नहीं है, लंबे समय में बीमार करेगा करेगा। सो फॉर्चुनेटली देर आर टेक्निक्स यू कैन लर्न, यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन एक्चुअली यूज। नंबर वन इज रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन में सबसे अच्छा होता है डीप ब्रीदिंग, योगा, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज रिलैक्सेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज करता है रेगुलर वे में उनकी बॉडी उतने ही स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आदत हो जाती है, इक्विप्ड हो जाती है। रिमेंबर दैट। दिस इज दैट